यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम इस बैक समय ऑन द मैं गेम तुमसे प्रोड्यूस। ना सो गाइस, आज हम दोबारा से बैठ खेलने जाने GTA 5। सो गाइस, अभी बहुत ही खतरे की बात है भाई साहब। अभी मुझे बताया है बिग माफिया के भाई ने, मतलब के अंडर वाटर के वहाँ माफिया के भाई ने, कि भाई साहब बॉयर हमला हो चुका है। भाई साहब, मैं तो सुन के पहली बार हैरान ही हो गया। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देखा तो भाई साहब असल में हमला होता है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, आपको भी मैं खोल के दिखा ही देता हूँ भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब हमला हो चुका है। सीधा मन करते हैं हमला तेरी है, सीधा से भाई साहब। मैं अभी मुझे भी पता लगा ना किसने हमला किया भाई साहब तेरी है, सीधा से भाई साहब। सो गाइस, हम पे हमला हो चुका है और बहुत सारे बंदों ने खट्टे हिंदे हमला कर लिया है, हमारी गम पे हमला कर लिया, और हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले भाई साहब। तेरी ऐसी की तस्वीर भाई साहब, हमारे घर पे हमला करते हो, माइकल दादा के घर पे हमला करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होने। सो गाइस, ये तो अच्छी बात, ठीक है हमारे साथ माइकल और मेरे साथ। ऐसा आपको बताने मतलब माफिया का भाई और साथ ट्रैवल कितने ही मतलब के बहादुर बंदे हैं भाई साहब। अभी हमने फुल जब मार के भाई साहब किसी को भी नहीं छोड़ना भाई साहब। आगे हमने सारे बंदों को किसी को नहीं छोड़ना, और जो बिग माफिया के जो भाई ने बंदे भेजे हैं हमने उनको मार के रख देना भाई साहब। मुझे पता चल गया है कि बिग माफिया के भाई ने ये बंदे भेजे हैं सारे के सारे, वो इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। पहले मैंने सही तरह देखा नहीं था भाई साहब, तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, हमने इसको भी नहीं छोड़ना। और मुझे पता चला कि भाई, मुझे पता चला है कि ये जो बंदे भेजे हैं बिग माफिया के भाई नहीं भेजे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिग माफिया के भाई के जो बंदे हैं वो सारे के सारे यही सूट पहनते हैं भाई साहब। इसका तो पक्का हो चुका है कि ये सारे के सारे बिग माफिया के भाई नहीं बंदे भेजे हैं। सो गाइस, अभी मुझे खबर मिली है कि भाई साहब मुझे फुल तब गुस्सा चढ़ रहा है। आप मुझे देख रही होंगे भाई साहब, मुझे बहुत ही तब गुस्सा चढ़ रहा है। आज मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना, आज मैंने बिग माफिया का भाई का तो छोड़ना ही नहीं है भाई साहब। आज मैंने उसके शोरूम तो बहुत बर्बाद करके रखने। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है कि यार, मुझे दिमाग में ये प्लान आया है कि यार, आपको पता ही है कि बिग माफिया के भाई के इतने सारे शोरूम है, उसमें से आज हम एक का तमाम कर ही देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा का भी तमाम कर देंगे, लेकिन जो आज की बात है, आज हम उसके एक का तमाम कर देंगे। सो गाइस, इसका जो सबसे बड़ा शोरूम है, आज वो उसका तमाम हो जाएगा भाई साहब। उसकी सारी सारी की सारी गाड़ियाँ और सारे के सारे जो मतलब कि गाड़ियों के जो जो उसने पैसा लगाया है वो सारा का सारा हम तो बहुत बर्बाद करने वाले हैं। सो गाइस, हमने एक गाड़ी पकड़ी है और सीधा चलते हैं भाई साहब। अभी मुझे लेस्टर का फ़ोन आया है कि भाई साहब, लेस्टर ने मुझे कह रहा भाई साहब, बहुत ही बुरी खबर है। लेस्टर मुझे कह रहा है कि सिमियन से बिग माफिया के भाई ने शोरूम छीन लिया है भाई साहब, सिमियन के। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा गलत हो गया सीन भाई साहब। सिमियन से शोरूम छीन लिया गया, मतलब कि प्रीमियम डीलक्स मोटर शोरूम छीन लिया गया है, वो भी किसने छेड़ा। लेस्टर ने मुझे बताया, लेस्टर ने कहा कि यार, वो बिग माफिया के भाई नहीं छीना भाई साहब, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो गया। आज हम उसका सारा का सारा शोरूम तबाह बर्बाद कर देंगे, मतलब कि शोरूम छोड़ देंगे और जो सारा का सारा इसकी गाड़ियाँ तबाह बर्बाद कर देंगे भाई साहब। सिमियन कह रहा जाए तुम शोरूम फाड़ दो, मुझे पता नहीं। सो गाइस, सिमियन मुझे कह रहा है कि भाई साहब तुम उसका शोरूम तबाह बर्बाद कर दो, मतलब कि जो बिग माफिया का भाई का शोरूम है वो तबाह बर्बाद कर दो। लेकिन अभी मुझे प्लान आया है कि प्रीमियम डीलक्स मोटर ही हम तबाह कर देंगे, मतलब कि आपको पता है कि यार उसकी गाड़ियाँ उधर ही खड़ी होंगी, उसने सारा का सारा तबाह कर दिया है, अपनी उसका सारी की सारी गाड़ियाँ उसको मतलब कि चोरी कर दिया है, और जो उसकी अपनी गाड़ियाँ थी वहाँ पर उसने रख दी हैं भाई साहब। ये तो बहुत ही प्यारा सीन हो चुका है। अभी हम सीधा चलते हैं प्रीमियम डीलक्स मोटर में और देखते हैं क्या ही सीन बनता है भाई साहब। आज तो मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ है, आज तो मैं सारा का सारा शोरूम तबाह कर दूंगा भाई साहब। अब मतलब कि सो गाइस, सिमियन मुझे कह रहा है कि आज मैंने शोरूम तो बाह कर देना, मतलब कि मुझे कह रहा है आज तुम तो बाह कर दो, जितने चाहे पैसे मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा भाई साहब। हमारे लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यार, हमारे घर में आज हमला हुआ है, वो भी किया है बिग माफिया के भाई ने, और जो शोरूम हमारे दोस्त का है उसको नहीं पता कि मेरा दोस्त ये है जिससे इतने शोरूम छीना है, उसको ये भी नहीं पता। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है भाई साहब, ये तो गुड हो गया। अभी हम सीधे चलते हैं शोरूम में और सारा का सारा शोरूम तबाह करते हैं, और हम बिग मतलब कि सिमियन से सारे के सारे पैसे ले लेंगे, मतलब कि जो शोरूम के पैसे
पैसे, उसने कहा था कि मैं दूंगा, वो दे ही देगा। उसने तकरीबन मुझे कहा कि 10 मिलियन डॉलर मुझे देगा तो वो दे ही देगा। भाई साहब ये मुझे कौन बुला रहा है भाई साहब? ओ भाई साहब ज़ॉम्बी है भाई साहब, लॉस सैंटोस में। ओ गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ, मारना कीजिएगा भाई साहब। ओ गॉड भाई साहब, यार ज़ॉम्बी इतने सारे भाई साहब, ये कहाँ से आ गए ज़ॉम्बी? सो गाइस, ये ज़ॉम्बी इतने सारे आ चुके हैं लॉस सैंटोस में, मुझे अभी खबर में सुनने में आया था, लेकिन मैंने आज एक असली ज़ॉम्बी भी देख लिया। ओ गॉड भाई साहब, सो गाइस आज मैंने असली का असली पूरा का पूरा असली ज़ॉम्बी देख लिया है और मुझे पता चल गया ज़ॉम्बी कैसी होते हैं। आज मैंने सारे के मार दिया, अगर मैं ना मारता तो मेरे ऊपर डंग मारते और मैंने भी ज़ॉम्बी बन ही जाना था। सो गाइस ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, अभी हम सीधा बैठते हैं गाड़ी में और सीधा चलते हैं प्रीमियम डीलक्स मोटर को तबाह बर्बाद करने। सो गाइस सीधा चलते हैं प्रीमियम डीलक्स मोटर और देखते हैं यार क्या सीन होता है उधर। मुझे तो लगता है कि हम मार ही देंगे उन सारे के सारों को। सो गाइस अभी मिलते हैं शोरूम में चल के ही। सो गाइस अभी मैं आ चुके हैं प्रीमियम डीलक्स मोटर में और थोड़ी सुबह हो चुकी है, प्रीमियम डीलक्स मोटर में आया है, मैंने लोगों से पता किया है, लोगों ने मुझे भी यही कहा है भाई साहब, लोगों ने मुझे कहा है कि सारे का सारा जो ये शोरूम है उसमें कब्जा कर लिया है बिग माफिया का भाई ने। मैं थोड़े से लोगों से पता किया है, सारा के सारा ने मुझे बता दिया है कि बिग माफिया के भाई ने ही किया इस पे कब्जा। सो गाइस अभी बल्ला लेने का टाइम आ गया है, सीधा चलते हैं शोरूम के अंदर और आपको पहले गाड़ियाँ दिखाऊंगा और फिर सारा का सारा शोरूम तो बर्बाद कर देंगे। सो गाइस अभी मैं आ चुके हैं शोरूम के अंदर और ये सारी की सारी गाड़ी खड़ी है, एक का नाम है लैम्बोर्गिनी ज़ेंटरोन और साथ ही साथ सो गाइस इधर एक साथ ही साथ टेस्ला की गाड़ी खड़ी हुई है जो कि बहुत ही गला बैटरी वाली कार है। सो गाइस अगली गाड़ी जो है वो है लैम्बोर्गिनी जो कि बहुत ही अलग गाड़ी है, इसके साथ ही खड़ी है जो लॉस सैंटोस में 2021 में नई गाड़ी आई है, मतलब कि ला फरारी भाई साहब। ओ गॉड भाई साहब, मुझे तो दिल नहीं कर रहा कि सारी की सारी फोड़ू गाड़ियाँ, लेकिन अभी जो बिग माफिया का जो भाई है उसे बदला तो उतारना ही उतारना है। सो गाइस बिग माफिया के भाई से हमने बदला उतारना है और सारी की सारी हम फोड़ने लगे गाड़ियाँ। सो गाइस माइकल और साथ मेरे जो ट्रैवल और अंडर वाटर माफिया के भाई का जो आया है, मतलब कि अंडर वाटर माफिया का भाई आया है हमारे साथ, हम सारी की सारी गाड़ियाँ फोड़ने लगे। सो गाइस अभी हम फोड़ते हैं गाड़ियाँ, सारी की सारी हमने आपको गाड़ियाँ दिखा ही दी हैं भाई साहब। सो गाइस भाई साहब मैं ओ गो भाई साहब, हम सारी की सारी फोड़ने लगे हैं गाड़ियाँ, तेरी ऐसी बिग माफिया के भाई तू हमसे पंगा लेता है, मतलब कि माइकल से पंगा लेता है, तेरे साथ इस तरह ही होना चाहिए। सो गाइस अभी हमने सारी गाड़ी फोड़ रहे हैं और भाई साहब हमने फोड़ भी दिया। ओ भाई साहब, सो गाइस हमने सारी की सारी गाड़ियाँ फोड़ दी हैं और अभी हम सीधा निकलते हैं भाई की तरफ। भाई साहब इससे पहले हम जल जाएं सीधा हम निकलते हैं भाई, इसी में अच्छा ही है, उस पर पहले हम थोड़े बहुत बम लगा देते हैं इधर और सारी की सारी गाड़ियाँ मतलब कि हमने फोड़ दी हैं, थोड़े बहुत हम खरीद लें थोड़े बम हमारी अपने मतलब कि ज्योमेट्री से और सारे के सारे बम लगा ही देते हैं। सो गाइस अभी हमने सारे खेल खरीद लिए हैं, सारे के सारे वेपन और सारी की सारी भाई साहब हमने बम लगा ही देने हैं इधर। सो गाइस अभी हमने बोम निकाले हैं, सारे के सारे बोम इधर लगा देने हैं हमने, अप्रोक्सिमिटी बोम है साइज सा, मतलब कि जो बोम है ये भाई साहब छोटी बोम है भाई साहब, इससे पहले सारे के सारे बोम फटे सीधा निकलते हैं भाई, इसी में हमारे लिए अच्छा ही है। सो गाइस अभी हमने सारी की सारी गाड़ियाँ फोड़ दी हैं, थोड़ी बहुत और फोड़ते हैं सीधा निकलते हैं बाहर और सीधा बाहर निकल के मैं आपको सारा सीन बताता हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुके प्रीमियम डीलक्स मोटर से बाहर और सारी की सारी हमने गाड़ी फोड़ दी हैं। सो गाइस यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सारी गाड़ियाँ फोड़ दी हैं, आपको अभी महसूस भी हुआ होगा कि यार अभी बम होता है। सो गाइस अभी हम सीधा पकड़ते हैं गाड़ी, इससे पहले उनको पता चल जाए कि यार ये माइकल आया था इसने फोड़ा है, सीधा निकलने में बुलाई है भाई साहब बिग माफिया का अंडर वाटर माफिया का भाई और साथ ही साथ ड्राइवर आ जाएगा, सीधा हम निकलते हैं। सो गाइस अभी हम सीधा निकलते हैं, निकलने में ही बुलाई है, इससे पहले उनको पता चल जाएगा यही माइकल ही आया था। सो गाइस हम निकल चुके हैं ये गाड़ी में, ये गाड़ी भी हमें काफ़ी अच्छी गाड़ी मिली है। सो गाइस ये काफ़ी अच्छी गाड़ी मिल गई है हमें और ये हम इसी सीधा निकलते हैं गाड़ी को पकड़ के बाहर की तरफ। सो गाइस ये तो हमारे हम अपने यूज़ में भी आ सकती है ये सारी ये गाड़ी, क्योंकि यार मुझे काफ़ी पसंद है ये गाड़ी। सो गाइस अभी हम सीधा चलते हैं
गाड़ी को लेके सीधा चलते हैं भाई साहब बाहर और देखते हैं क्या ही सीन होता है, मतलब कि घर चलते हैं। सो गाइस अभी हम सीधा चलते हैं घर की तरफ और भाई साहब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। सो गाइस अभी मैं आपको एक और भी बात बता दूँ कि भाई साहब आपको मैंने एक और भी बात बतानी थी कि अगली वीडियो में हम सारी की सारी गाड़ियाँ मतलब कि प्रीमियम डीलक्स मोटर को भी छोड़ देंगे।